ये कहानी एक सच्ची दोस्ती के ऊपर है जो आपके दिल और दिमाग को छू जाएगी। इस कहानी में 5 दोस्त होते हैं जो कि एक ही गांव में रहते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई की वजह से उनमें से 4 दोस्तों को हॉस्टल जाना पड़ता है, पर उनकी एक दोस्त वहीं पर छूट जाती है क्योंकि उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से वो ज्यादा चल फिर नहीं सकती। लेकिन वो चारों फ्रेंड्स हर साल समर वेकेशन में अपने फ्रेंड से मिलने जरूर आते हैं और साथ में खूब एंजॉय भी करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा क्या होता है जिस वजह से ये 5 फ्रेंड एक दूसरे से दूर हो जाते हैं? वेल, ये आपको इस कहानी में आगे पता चलेगा, इसलिए बिना समय को ना गवाते हुए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हॉलीवुड से स्क्रीन प्रेजेंटिंग अनफॉरगेटेबल। कहानी की शुरुआत 2016 में होती है, जहाँ पर हम कोरिया के एक रेडियो स्टेशन को देखते हैं जहाँ एक आरजे अपना शो होस्ट कर रहा होता है जिसका नाम यंग है। इसके शो के कई लोग फैन हैं। इस शो में कई लोग अपनी लाइफ की घटना या अपने सॉन्ग को एक लेटर में लिखकर भेजते हैं और यंग फिर इस लेटर को लाइव शो में पढ़कर उनका फेवरेट गाना प्ले करता है। लेकिन आज कई लेटर्स में से एक लेटर को देखकर वो सोच में पड़ जाता है और अपने लिसनर्स को बताता है कि इस लेटर को मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड ने लिखा है। इसमें जो लिखा है वो मैं पहले से ही जानता हूँ क्योंकि ये हम 5 फ्रेंड्स के बीच की बात है। ये कहकर वो अपनी और अपने फ्रेंड्स की कहानी बताना शुरू कर देता है जो 23 साल पहले शुरू हुई थी, जहां सी शोर पर एक लड़की बोट का इंतजार कर रही है। दरअसल सुमी के फ्रेंड्स दूसरे शहर में हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं। सुमी अपने पैर की प्रॉब्लम की वजह से इतने दूर नहीं जा पाती और फ्रेंड्स के बिना वो बिल्कुल अकेली पड़ गई है। हर साल उसको समर हॉलीडेज का इंतजार करना पड़ता है। जब उसके सारे फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं तब वो एंजॉय कर पाती है। इस साल भी वो उनकी ही राह देख रही होती है और तब एक बोट को देखते ही सुमी खुशी से झूम उठती है और अपने फ्रेंड्स को पकारने लगती है। तब उसकी फ्रेंड चिल्लाकर उसकी आवाज को सुनकर अपना हाथ हिलाते हुए चिल्लाती है कि हम आ गए। उसके पास खड़ा है यंग जो कि इस कहानी को नैरेट कर रहा है। सुमी को देखते ही वो पानी में कूद जाता है, जिसके पीछे चिल और सुमी भी पानी में कूद जाती है और स्विम करके चिल को हाई फाइव देती है। और ये है डो जो इसी फ्रेंड ग्रुप का हिस्सा है, जो सोचता है कि पानी में कूदूं या फिर नहीं। पर तभी यंग चिल्लाता है कि डर गया क्या, कूदना जल्दी से। ये सुनकर वो भी छलांग मारी देता है और इस तरह होता है इन चारों फ्रेंड्स का रियूनियन। फिर वो पैदल ही अपने गांव की ओर निकलते हैं। सुमी बेचारी ठीक से चल नहीं सकती तो यंग उसको पीठ पर बैठा लेता है। यंग का 5वां फ्रेंड भी है जिसका नाम सैम है। सुमी उससे पूछती है कि सैम क्यों नहीं आया, जिस पर डो कहता है कि वो मैराथन की प्रैक्टिस में लगा हुआ है इसीलिए वो नहीं आएगा। तभी चिल यंग के बैग से एक ऑडियो कैसेट निकालकर सुमी को देती है। उस कैसेट को देखकर सुमी खुश हो जाती है कि यंग उसका फेवरेट म्यूजिक कैसेट लेकर आया है। लेकिन यंग तो चिल को डांटता है कि मेरा बैग टटोलना बंद करो, लेकिन चिल फिर भी उसके बैग में हाथ डाल देती है और इस बार उसमें से एक वुमेन का इनरवेयर निकलती है। सुमी पूछती है कि क्या तुम ये पहनते हो, जिस पर सभी हंस पड़ते हैं। यंग गुस्से में कहता है कि अगर ज्यादा मजाक किया तो पानी में फेंक दूंगा, जिसके बाद सुमी कहती है कि अगर तुम्हारे पैर दुख रहे हो तो डो मुझे उठाकर चल लेगा। पर यंग कहता है कि नहीं, मैं ही तुमको उठाकर चल लूंगा। वहीं अब घर पहुंचकर सुमी उस कैसेट को प्ले करती है, लेकिन उससे पहले वो एक आरजे की तरह अनाउंसमेंट करती है क्योंकि उसका एम्बिशन भी एक आरजे बनना है। और वो अनाउंसमेंट के बाद उसको सुनना शुरू करती है। उसके घर के बाहर यंग खड़ा हुआ सुन रहा होता है और वो बहुत ही खुश होता है कि वो उसके दिए हुए म्यूजिक को इतना एंजॉय कर रही है। दरअसल यंग सुमी को बहुत पसंद करता है। अगले दिन ये सभी लोग चिकन खाने के लिए मुर्गी को पकड़ने निकलते हैं। अब सुमी जो अपने दोस्तों की तरह भाग नहीं सकती इसीलिए वो एक जगह खड़े होकर मुर्गी के आने का वेट कर रही होती है और जैसे ही मुर्गी उसके पास से गुजरती है वो उसको पकड़ लेती है, जिसके बाद वो सभी मिलकर चिकन बनाने लगते हैं। उसी दौरान सुमी यंग से टर्मिनेटर मूवी के बारे में पूछती है। वो बोलती है कि यहाँ तो कोई थिएटर नहीं है लेकिन शहर में तो जरूर होगा ना, तुमने तो वो मूवी देख ली होगी ना। हालांकि यंग ने वो मूवी देखी नहीं होती है लेकिन वो फिर भी झूठ बोल देता है कि हाँ मैंने वो देख ली है। पर वो ये भी बोलता है कि वो इतनी खास भी नहीं है, लेकिन तुम फिक्र मत करो सुमी, मैं तुमको मूवी दिखाने लेकर जाऊंगा। सुमी कहती है कि जब मेरा पैर ठीक हो जाएगा तो मैं खुद ही जाकर देख लूंगी। इतने में ही चिल उसको लेग पीस लाकर देती है, जिस पर डो कहता है कि उसको लेग पीस क्यों दे रही हो, फिर मैं क्या खाऊंगा। चिल कहती है कि ये मुर्गी सुमी ने पकड़ी है,
इसीलिए उसी को लेग पीस मिलेगा। पर तुम चिंता मत करो, दूसरा लेग भी तो है, तुम उसको खा लो। और इसी तरह सब चिकन खाने लगते हैं। पर तभी उन्हें एक पीछे से आवाज आती है जो कि असल में सैम की थी। वो लोग उसको देखकर पूछते हैं कि तुम तो मैराथन की प्रैक्टिस कर रहे थे ना, अब क्या हो गया? जिस पर वो कहता है कि मैं कर तो रहा था, लेकिन मेरा पैर टूट जाने की वजह से उन लोगों ने मुझको वापस भेज दिया, पर तुम लोग यहाँ पर मेरे बिना चिकन खा रहे हो। ये कहकर दूसरे वाले लेग पीस को भी उठा लेता है और खाने लगता है, जिसको देखकर डोर होता है और बोलता है कि भाई तू थोड़ी देर बाद आ जाता तो मेरा लेग पीस मुझको मिल जाता। जिसके बाद सब खाना खाकर बैठ जाते हैं और सुमी का गाना सुनने लगते हैं। सुमी बहुत अच्छा गाती है, जिसके बाद वो स्विमिंग करने चले जाते हैं। वो भले ही ठीक से चल नहीं पाती, लेकिन पानी में वो काफी अच्छे से स्विमिंग कर पाती है। अब चिल गाना शुरू करती है, जिस पर डो कहता है कि बस कर मेरी माँ, मेरे कानों से खून निकलने लगेगा। वहीं अब अगले दिन हम देखते हैं कि डो के भाई पार्क ने एक न्यू बोट खरीदी होती है। वो सभी मिलकर वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। डो की माँ एक मिनट भी चुप नहीं रहती और गांव भर में ढिंढोरा पीट देती है कि ये देखो हमारी शानदार बोट। यहाँ पर यंग, सुमी, चिल और सैम सोचते हैं कि अब तो डो बड़ी बोट का मालिक बन गया है, ना जाने वो हमारे साथ पहले जैसा बिहेव करेगा या फिर नहीं। जिस पर सुमी कहती है कि मैं दूर के उस आइलैंड पर जाना चाहती हूँ जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है। मैं उस पहाड़ के ऊपर की हवाओं को छूना चाहती हूँ, पर पता नहीं कैसे कर पाऊंगी। ये सुनकर यंग एक मस्त प्लान बनाता है और इस प्लान के अकॉर्डिंग वो पार्क की बोट को चुराकर सुमी को उस आइलैंड पर लेकर जाएगा। उसके दूसरे फ्रेंड्स भी सुमी के लिए ये प्लान सोच रहे होते हैं। उसी रात वो सब लोग डिनर एंजॉय करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। वही ये लोग पार्क को ढेर सारी शराब पिलाकर उसकी बोट के की चुरा लेते हैं, जिसको वो डो को दे देते हैं। अब यंग सुमी को लेने जाता है, मगर वो सो रही होती है। वो सोचता है कि उसको कैसे उठाऊं, पर तभी सुमी घर से बाहर निकलती है और कहीं जाने लगती है। यंग उसको फॉलो करता है, जहां पर वो देखता है कि सुमी एक छोटी बोट में बैठकर कहीं जा रही है। यंग उसके पीछे नहीं जाता क्योंकि वहां और कोई बोट नहीं थी। फिर वो सुमी के घर बाहर बैठकर उसका इंतजार करने लगता है। दरअसल सुमी पास के एक आइलैंड पर डॉग को देखने गई थी और जब वो लौटती है तो वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यंग बताता है कि मैं तो तुम्हें लेने आया था, पर तुम कहीं चली गई थी। सुमी झूठ कहती है कि गर्मी लग रही थी, इसीलिए मैं थोड़ा टहलने निकल गई। लेकिन यंग काफी परेशान होता है कि ये मुझसे झूठ क्यों बोल रही है। फिर भी वो बिना कुछ कहे सुमी को उठाकर नई बोट पर लेकर जाता है। सुमी तो चौंक ही जाती है कि ये क्या चक्कर है। सभी फ्रेंड्स कहते हैं कि हम तुम्हें उस आइलैंड पर लेकर जा रहे हैं, तुम टेंशन मत लो। डो कहता है कि जल्दी करो, अगर मेरे भाई का नशा उतर गया तो हम सब गए समझो। डो बड़े ध्यान से और आराम से बोट चलाता है। तभी ये लोग बोट का कोई बटन प्रेस कर देते हैं, जिससे बोट की स्पीड बढ़ जाती है और ये बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। अगली सुबह ये सभी उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और पहाड़ की चोटी पर बैठे होते हैं। चिल चिल्लाती है कि बड़े होने के बाद भी हम इस पहाड़ पर जरूर आएंगे। पर सबसे ज्यादा खुश तो सुमी थी, जो वहाँ की हवा को फील कर रही थी। यहाँ पार्क अभी भी नशे में धुत पड़ा होता है और उसकी माँ चिल्लाती है कि किसी ने हमारी बोट चुरा ली। वो कहता है चोर जरूर तुम्हारा छोटा बेटा ही होगा, एक बार वो आ जाए फिर उसकी खैर नहीं। वहीं इस बात से बेफिक्र डो अपने फ्रेंड्स के साथ मजे कर रहा होता है। चिल कहती है कि हम पढ़ लिख कर कोई न्यू जॉब करेंगे, पर तुम क्या बनना चाहती हो? जिस पर सुमी कहती है कि इस पैर के साथ तो मैं कहीं नहीं जा पाऊंगी, वैसे मैं आरजे बनना चाहती हूँ ताकि मेरी आवाज पूरी दुनिया तक पहुँच पाए। बहुत देर बाद वो वापस आ रहे होते हैं, तब वो देखते हैं कि डो का भाई और उसकी माँ उन्हें डंडे से पीटने के लिए तैयार खड़े हैं। और फिर क्या, वो सबको मुर्गा बनाकर खूब पिटाई करता है। डो को तो एक्स्ट्रा मार पड़ती है, लेकिन पार्क सुमी को कुछ नहीं कहता। अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए सुमी पार्क के पैर पकड़ लेती है कि प्लीज इनको छोड़ दो, मैं ही वो आइलैंड देखना चाहती थी जिस वजह से इनको बोट चुरानी पड़ी। ये कहकर सुमी बेहोश हो जाती है। पार्क घबराकर कहता है कि जल्दी उसको मेरी पीठ पर रखो, उसको अस्पताल ले जाना होगा। लेकिन यंग सुमी को उठाता है और पांचों फ्रेंड्स वहां से चले जाते हैं। बेचारा पार्क तो उसी पोजीशन में बैठा रह जाता है। सभी घबरा जाते हैं कि सुमी को क्या हो गया, लेकिन सुमी स्माइल कर रही होती है। दरअसल अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए उसने ड्रामा किया था। थोड़ी दूर जाकर वो एक जगह पर रुकते हैं तो सुमी सबको सच बता देती है। डो को सबसे ज्यादा मार पड़ी थी तो वो उसको दवा लगाते हैं। उसी रात सुमी अपने फादर से कहती है कि कल मॉम की डेथ एनिवर्सरी है, तो क्या कल हम उनकी याद में कोई प्रेयर नहीं करेंगे? जिस पर उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारी मॉम बहुत अच्छा स्विम करती थी, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि एक छोटी लहर आकर उसको बहा के ले गई। वो मरी नहीं है, वो जिंदा है, इसीलिए हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। तभी यंग सुमी के घर पर आता है
और उसी वक्त वो देखता है कि सूबी कहीं पर जा रही होती है। वो छुपकर उसका पीछा करके देखता है कि वो किसी लड़के से मिल रही है, शायद वो उससे प्यार करती होगी। ये देखकर यंग का दिल टूट जाता है और तभी उसका पैर अचानक से ना जाने कैसे दलदल में फंस जाता है और तभी यंग की आंखें खुल जाती है क्योंकि यंग असल में एक सपना देख रहा होता है। दरअसल वो अब सूमी से प्यार करने लगा है, इसीलिए अब वो बहुत परेशान है कि वो उस दिन कहाँ और किससे मिलने गई होगी। जब यंग उसके घर जाता है तो वो कहीं जाकर अपनी मॉम के लिए क्रियाकर्म कर रही होती है। वो रोती है कि मॉम फादर आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो मानना ही नहीं चाहते कि अब आप इस दुनिया में नहीं रही, पर मैं जानती हूँ कि अब तुम कभी वापस नहीं आओगी। अगर तुम कहीं से भी मेरी आवाज सुन रही हो तो मॉम मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ और तुम मेरी फिक्र मत करना। ये सब सुनकर यंग का दिल भारी हो जाता है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुमी फिर उस डॉग के क्लिनिक में जाती है जहाँ वो क्लिनिक का थोड़ा बहुत काम कर लेती है। तभी यंग और उसके फादर वहाँ पर आते हैं। यंग के फादर डॉग से कहते हैं कि अब तक आप यहाँ के लोगों की बड़ी सेवा कर रहे थे, लेकिन अब तो आप बहुत ही जल्द शहर जाने वाले हैं, उसके बाद ना जाने हमारा क्या होगा। ये सुनकर सुमी परेशान हो जाती है और बाहर जाकर खूब रोती है। यंग उससे पूछता है कि तुमको क्या हुआ। वो कहती है कि बहुत धूप है ना, इसलिए मैं थोड़ा थक गई हूँ। इसी के साथ वो बताती है कि पास के टाउन में चल रहे म्यूजिक कंपटीशन में मैं गाना चाहती हूँ, लेकिन इस हालत में मैं ज्यादा दूर नहीं जा पाऊंगी। जिस पर यंग कहता है कि हद हो गई यार, तुमने मुझको पहले क्यों नहीं बताया, चलो मेरी पीठ पर बैठो। ये कहकर वो सुमी को उठाकर ले जाता है जहाँ वो उसको एक गाड़ी में बैठाकर वहाँ के लिए निकल जाता है। रास्ते में डो का घर आता है तो वो उसको भी आवाज देकर बुला लेते हैं। डो तुरंत बाहर आ जाता है जिसको यंग बताता है कि सुमी उस सिंगिंग कंपटीशन में गाना चाहती है, तू जाके बाकी सब फ्रेंड्स को बता दे और सभी को साथ ले आ। चिल अपने खेत में काम कर रही होती है लेकिन डो की आवाज सुनकर वो भी भाग कर आती है और सैम को बताती है, लेकिन वो बेचारा अपना सर धो रहा होता है पर फिर भी वो बीच में सर पहुंचकर और अपनी वॉकिंग स्टिक लेकर डो के साथ भागने लगता है, लेकिन वो भूल गया था कि उसके पैर पर पट्टी बंधी हुई है। इसी तरह ये चारों मिलकर अपनी फ्रेंड की ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक साथ हो जाते हैं। ये देखकर तो सुमी बहुत ही खुश होती है कि उसको इतने अच्छे दोस्त मिले हैं। उसने बस एक शब्द कहा और वो सब कुछ करने के लिए मान गए। अब सैम कहता है कि इस तरह चले तो कॉम्पिटिशन ही खत्म हो जाएगा। ये कहकर वो अपने पैर की पट्टी खोलता है और शॉर्टकट से उस जगह जाकर कंपटीशन को डिले करने का प्लान बनाता है क्योंकि तब तक सुमी वहां पर पहुंच जाएगी। और फिर वो भागता है और उस वेन्यू पर पहुंच जाता है जहां वो होस्ट का माइक छीन लेता है और मैराथन की तरह पानी पीकर उस जगह का चक्कर लगाने लगता है। कुछ देर में वो सभी सुमी को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। फिर सैम होस्ट का माइक वापस कर देता है कि सॉरी सर, मैं मैराथन के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूं और आपका माइक हाथ में आ गया। और फिर क्या था, सुमी स्टेज पर गाना गाती है और इतना अच्छा गाना गाती है कि उसके फ्रेंड्स ही नहीं बल्कि बाकी सभी लोग भी खुशी से नाचने लगते हैं और सुमी को ही फर्स्ट प्राइज मिलता है। अगले दिन यंग के घर सुमी का फर्स्ट प्राइज रखा होता है। यंग अपनी मॉम से पूछता है कि ये तो सुमी का फर्स्ट प्राइज है, ये यहाँ पर कैसे आया। जिस पर उसकी मॉम बताती है कि ये तो सुमी देकर गई है। बेटा वो कह रही थी कि उसने प्राइज के लिए गाना नहीं गाया था, वो सिर्फ अच्छा गाना चाहती थी और वो तुम्हारी वजह से वहाँ पर जा पाई, इसलिए उसने तुमको ये दे दिया। यंग देखता है कि फर्स्ट प्राइस एक टेप रिकॉर्डर है जिसे वो एक पुरानी बोट में लेकर जाता है और वहाँ पर उसको वो एक रेडियो स्टेशन की तरह सेट कर देता है जहाँ पर वो भी फैसला करता है कि जो सुमी चाहती है मैं भी वही करूँगा। इसीलिए वो खुद भी एक आरजे बनना चाहता है, जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि फिर ये सभी अपनी बेस्ट ड्रेस पहनकर फोटो खिंचवाते हैं जहाँ पर सुमी सबको कहती है कि मैं इसको प्रिंट करवाकर तुम सबको भेज दूंगी, तुम टेंशन मत लो। ये कहकर वो फिल्म रोल कर देती है, जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि एक दिन सुमी डॉग के पास जा रही होती है जहाँ पर यंग उसको रास्ते में मिलता है। वो पूछता है कि तुम डॉग के पास क्यों जा रही हो। सुमी नॉर्मली कह देती है कि मैं बीमार हूँ, इसीलिए अब यंग भी उसके साथ चलने को कहता है। सुमी कहती है नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, तुम क्यों आ रहे हो। यंग कहता है कि मैं भी बीमार हूँ इसीलिए आ रहा हूँ, अब चलोगी या फिर सवाल ही करती रहोगी। अब दोनों डॉग के पास पहुँच जाते हैं। डॉग यंग से पूछता है कि तुम्हें क्या तकलीफ है। वो भी कह देता है कि आप तो डॉग है ना, खुद ही पता लगा लीजिए। डॉग कहता है कि मैं डॉग हूँ बेटा, कोई मजिशियन नहीं, ठीक ठीक बताओ क्या प्रॉब्लम है। यंग कहता है कि रात को नींद नहीं आती, ना कुछ खाता पीता हूँ। जिस पर डॉग उसको कुछ टैबलेट्स देकर बाहर भेज देते हैं। फिर सुमी आती है जिसकी बातों को यंग छुपकर सुनने लगता है।
डॉग सुमी को एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारा एक पैर ठीक से ग्रो नहीं हुआ है, इसलिए तुम ठीक से चल फिर नहीं पाती हो, लेकिन एक सर्जरी से इसको ठीक किया जा सकता है, फिर तुम दूसरों की तरह चल पाओगी। ये सुनकर सुमी बहुत खुश होती है और कहती है कि मैं अपने फ्रेंड्स और फादर पर बोझ बन रही हूँ, कोई ना कोई मुझको उठाकर चलता है, लेकिन आप मेरी सर्जरी फ्री में करने जा रहे हैं ना, फिर मैं अपने आप ही चल पाऊंगी। यंग ये सब सुनकर समझ जाता है कि क्यों सुमी डॉग से अकेले मिलने आती है। यंग अब बहुत खुश होता है कि वो अब सही से चल पाएगी। लौटते वक्त सुमी यंग से कहती है कि आज तक तुम कितना मुझे अपनी पीठ पर उठाकर चले हो, लेकिन अब जब मेरी सर्जरी हो जाएगी तो मैं तुम्हें उठाकर लेकर जाऊंगी। बोट के पास आकर सुमी को ये याद आता है कि वो अपना प्लास्टर तो क्लिनिक में ही भूल गई है। यंग उसको लेने जाता है। वहाँ पर डॉक फोन पर अपने सीनियर डॉक्टर को बता रहा होता है कि अगर हमने सुमी के इस पैर को ठीक कर भी दिया तो दूसरे पैर में प्रॉब्लम होकर ही रहेगी। अब ये सुनकर यंग को गुस्सा आ जाता है कि डॉक्टर ने सुमी से झूठ बोला। वो डॉग को मारने जाता है, लेकिन डॉग उससे कहता है कि वो उसको दुखी नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने झूठ बोल दिया। अब सच जानकर यंग बहुत रोता है। सुमी पूछती है तो वो कहता है कि कुछ नहीं, बस आंख में धूल चली गई थी। वो सुमी को उसके घर छोड़कर अपने घर आता है और वो बहुत देर तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं आता। चिल, डो और सैम उसको बुलाते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं आता, जिसके कुछ देर बाद वो बाहर निकलता है और कहीं चला जाता है। उसके फ्रेंड्स भी उसके पीछे जाते हैं। वो क्लिनिक जाता है जहाँ डॉक्टर दूसरे पेशेंट्स को देख रहा होता है। यंग डॉक्टर से कहता है कि आप नकली डॉक्टर हैं, आपकी दवाइयों से मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई। सुमी भी उसको डांटती है कि डॉक्टर से तमीज से बात करो, पर यंग कहता है कि ये डॉक्टर झूठा है सुमी। जिसे सुनकर सुमी यंग को गुस्से में एक थप्पड़ मार देती है और यंग वहां से चला जाता है। वो अपने बाकी के फ्रेंड्स से भी ठीक से बात नहीं कर रहा था। उनको समझ ही नहीं आता कि यंग को क्या हुआ है। चिल कहती है कि कहीं सुमी उस डॉक्टर से प्यार तो नहीं करती, इसीलिए यंग को बुरा लगा हो। ये सुनकर सुमी टूट जाती है और कहती है, मेरे फ्रेंड्स होकर भी तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। जिस पर चिल पूछती है, तो फिर सच क्या है सुमी, तुम रात में उस डॉग के क्लिनिक में क्यों जाती हो, तुम्हारा और उसका क्या रिश्ता है। सुमी बहुत दुखी होती है कि उसके फ्रेंड्स भी उसको समझ नहीं पाए और वो रोते हुए चली जाती है। फिर एक दिन सुमी यंग के घर से गुजर रही होती है, जिसको देखकर यंग के पेरेंट्स उसको कहते हैं कि सुमी को उसके घर छोड़ाओ, पर वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। सुमी फिर उससे अकेले में मिलती है और पूछती है कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो, क्या सबकी तरह तुम भी यही समझते हो कि मेरे और डॉक्टर के बीच कुछ चल रहा है। मैं तो सिर्फ इसलिए वहाँ जाती हूँ क्योंकि डॉक ने मेरे पैर की सर्जरी फ्री में करने का प्रॉमिस किया था, इसलिए मैं उनके क्लिनिक का थोड़ा बहुत काम भी कर लेती हूँ। यंग कहता है कि दूसरे चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मुझको तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि वो डॉक्टर तुमसे झूठ बोल रहा है। जिसके बाद वो सुमी को सब कुछ सच बता देता है। अब सुमी स्वयं करके डॉक्टर के पास पहुंचती है और पूछती है कि क्या मेरे दूसरे पैर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर भी कह देता है कि मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोल दिया, तुम्हारे दूसरे पैर में प्रॉब्लम हो सकती है और अब इसके लिए हमें तुम्हारे फादर की परमिशन भी लेनी होगी। जिसको सुनकर सुमी कहती है कि मैं अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये कहकर वो अपने घर जाने की कोशिश करती है, पर यंग उसको उठाकर बोट पर बैठाता है और उसको घर लेकर जाता है। अब बारिश भी होने लगी है। यंग उसको छाता देकर कहता है कि मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, मैं तुमको घर लेकर जाऊंगा। सुमी कहती है कि आज तो तुम मुझको उठा लोगे, लेकिन कब तक करोगे ये सब तुम? कल तुम कॉलेज जाओगे, फिर जॉब करोगे, तुम्हारी लाइफ में कई लड़कियां आएंगी, जब तक तुम मुझको भूल जाओगे, लेकिन मैं यहाँ पर अकेली रह जाऊंगी। तुम अपनी लाइफ को देखो और मुझको मेरे हाल पर छोड़ दो। तब यंग अम्ब्रेला को उनके बीच लाकर सुमी के फेस को देखता है और अम्ब्रेला को किस करता है। सुमी को लगता है कि यंग उसको किस कर रहा है। फिर यंग उसको बताता है कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं आ सकती, तुम क्या समझती हो कि मैं तुमको अपनी पीठ पर उठाकर चलता हूँ? नहीं सुमी, हर बार मैं तुम्हें अपने दिल में उतार कर चलता हूँ और मैं अपनी पूरी लाइफ ये कर सकता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रह सकता हूँ और तुम मेरे साथ। ये सुनकर सुमी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। फिर यंग सुमी को उठाकर उसके घर लेकर जाता है, जहाँ रास्ते भर वो दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोलते। सुमी को घर छोड़कर यंग अपने घर चला जाता है। सुमी के फादर सर्जरी के लिए मना कर देते हैं क्योंकि इससे उसका दूसरा पैर भी खराब हो सकता है। जिस पर सुमी कहती है कि अगर मेरे दोनों पैर खराब हो जाएं तो मुझको मार डालिएगा पापा, लेकिन मुझको ये सर्जरी करवाने दीजिए।
जिस पर वो गुस्से में सुमी को थप्पड़ मार देते हैं। अब अगले दिन जब यंग उसके घर आता है तो उसको सुमी कहीं नजर नहीं आती। यंग, चिल, डो और सैम उसको हर जगह ढूंढते हैं लेकिन वो किसी को नहीं मिलती। सुमी के फादर को लगता है कि शायद उसने समुद्र में कूदकर जान दे दी, इसलिए एक टीम उसको पानी में सर्च करती है और थोड़ी देर के बाद उनको सुमी मिल जाती है। वो लोग उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि रस्सी एक जगह अटक गई थी। सुमी अब मर चुकी थी। ये सुनकर यंग की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो पानी में कूद जाता है जहां पर उसकी मॉम उसको रोकती है कि वो बहुत खतरनाक जगह है, लेकिन यंग ने सुमी को प्रॉमिस किया था कि वो हर हालत में सुमी को प्रोटेक्ट करेगा। इसीलिए वो पानी में डाइव लगा देता है और थोड़ी गहराई में सुमी उसको मिल जाती है। वो सुमी को सीने से लगा लेता है और उसकी रस्सियां खोलकर बाहर लेकर आता है। चिल उसको उठाकर रोती है कि हमेशा तो तुम बेहोश होने की एक्टिंग करती थी, अब एक्टिंग बहुत हो गई, अब प्लीज उठ भी जाओ। चिल सबको बोलती है कि ये अभी उठ जाएगी और ये बताते बताते वो बहुत रोने लगती है। इस गांव में मरने वालों को पहाड़ के पास में दफनाया जाता है, पर सुमी के फ्रेंड्स कहते हैं कि हमारी सुमी को कुछ नहीं हुआ, उसको कहीं मत लेकर जाइए। पर गांव के बड़े लोग सब समझाते हैं कि हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं लेकिन ये हमारा ट्रेडिशन है। यंग कहता है कि ठीक है लेकिन हम अपनी तरह से उसका फ्यूनरल करेंगे। वो सुमी के फादर से रिक्वेस्ट करते हैं जिसके लिए वो भी मान जाते हैं। इतने में ही डॉक्टर सुमी का डेथ सर्टिफिकेट लाता है। डो चिल्लाता है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम पहले ही उसको सच बता देते तो शायद आज वो जिंदा होती। यंग गुस्से में डॉक्टर को मारता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी कुछ फोटोज नीचे गिरती है जो डॉक्टर इनको देने के लिए आया होता है। दरअसल सुमी ने उस फिल्म रोल को इस डॉक्टर के पास दे रखा था ताकि ये शहर से उस रोल को डेवलप करवा कर ला सके, जिसको देखकर उन चारों का दुख और ज्यादा बढ़ जाता है। वो सुमी का फ्यूनरल करते हैं। डो कोई मंत्र पढ़कर बेल बजाता है। चिल कहती है कि तुम गलत गा रहे हो, जिससे डो भी गुस्से में कहता है कि हाँ मैं गलत गा रहा हूँ, अगले साल अच्छे से प्रैक्टिस करके तुम्हारी मॉम के फ्यूनरल में ठीक से गाऊंगा। चिल गुस्से में कहती है कि अपना मुंह बंद करो। डो कहता है मैं अपना मुंह बंद क्यों करूं, मुंह तो तुमने उस दिन खोला था चिल, जिसकी वजह से दुखी होकर सुमी ने खुदकुशी कर ली। चिल कहती है कि क्या सिर्फ मैंने वैसा सोचा था, और इस बात पर दोनों की लड़ाई हो जाती है। चिल बहुत रोती है कि उसकी वजह से सुमी मर गई। उसके पेरेंट्स उसको खाना देने आते हैं जहां पर वो चिकन खाते हुए सुमी को याद करते हैं क्योंकि वो लोग सुमी के साथ चिकन खाया करते थे, पर अब सब कुछ खत्म हो चुका था। अब गांव वाले सुमी की डेड बॉडी और उसकी कुछ पसंदीदा चीजें और उसका फोटो लेकर आगे जा रहे होते हैं। उनके पीछे उनका पूरा गांव चल रहा होता है। इन चारों के दिल में अब सिर्फ सुमी के साथ बिताए हुए खुशी के पलों के अलावा और कुछ नहीं होता। एक जगह वो सुमी को दफना देते हैं लेकिन वो अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि सुमी अब उनके साथ नहीं है। वो साल में एक बार एक महीने के समर वेकेशन पर यहाँ पर आते हैं क्योंकि उनके आने से पहले सुमी सी शोर पर उनका इंतजार किया करती थी, लेकिन अब इन चारों के लिए इस गांव में आने की कोई वजह नहीं बची थी। सब अलग अलग जाकर पढ़ते हैं और उतना ज्यादा टच में नहीं रहते। वो सब अब अलग अलग जगह पर काम करने लगे हैं। यंग एक आरजे बन गया है और अपने लाइव शो पर लिसनर्स को ये सब बता रहा होता है और इस कहानी को उसके बाकी के तीन फ्रेंड्स भी सुन रहे होते हैं। सुमी की यादा ताजा हो जाने की वजह से चिल बहुत रो रही होती है। वहीं डोबी कार में बैठा इस प्रोग्राम को सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है, जबकि सैम इस प्रोग्राम को सुनकर एक ऑडियो कैसेट लेकर भागता है और सीधे रेडियो स्टेशन जाकर यंग को दे देता है। दरअसल ये लेटर भी सैम ने ही भेजा था। वो कहता है कि सुमी के फादर ने उसको ये कैसेट दिया और कहा कि ये मैं तुमको दे दूं, लेकिन उस वक्त हम सब अलग हो गए थे और मैं इस बारे में भूल गया। यंग उस कैसेट को अपने प्रोग्राम में प्ले करता है। ये सुमी का गाया हुआ पहला गाना है। इतने साल बाद उसे सुनकर यंग के चेहरे पर खुशी आ जाती है। चिल और डोभी इतने साल बाद सुमी की आवाज को सुनकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। गाने के एंड में सुमी कहती है कि ये उस दिन की रिकॉर्डिंग है जब उसने डॉक्टर के क्लिनिक में यंग को मारा था। फिर वो अपने दोस्तों की बातें सुनकर बहुत दुखी होकर अपने घर लौट गई थी। वो कहती है कि कई दिन बाद हम पांचों के बीच लड़ाई हुई, पर मुझको अपने फ्रेंड्स की बातों का बुरा नहीं लगा क्योंकि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो मेरी फिक्र करते हैं। मेरी लाइफ के सबसे खुशहाल दिन सिर्फ उनके साथ ही बीते। ये चारों हमेशा ही मेरे बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे, चाहे आगे जो कुछ भी हो। आखिर ये लोग ही तो मेरी फैमिली है। तुम चारों ही तो मेरी दुनिया हो। मैं तुम लोगों से मिले बिना नहीं रह सकती। मैं तुम सबको कल मिलने आऊंगी। और यहाँ पर ऑडियो कट हो जाता है। चारों फ्रेंड्स अपने इमोशन कंट्रोल ही नहीं कर पाते, जिसके बाद वो एक होने का फैसला करते हैं और चारों मिलकर एक साथ बोट से अपने गांव पहुंचते हैं, जहां घर जाने से पहले वो लोग सुमी के मेमोरियल पर जाते हैं।
उस दिन इन लोगों ने जो ग्रुप फोटो ली थी वो इन सब के पास है। उन सब फोटोज को वो सुमी के मेमोरियल पर रखकर वहीं पर लेट जाते हैं, जिसके बाद यंग उसी पहाड़ की चोटी पर जाता है जहां पर वो सुमी को लेकर गया था, और वो वहां की हवा को फील करता है जैसे सुमी की आत्मा वही हो। और सच में सुमी की आत्मा यंग को देख कर बहुत खुश होती है, जिसके साथ ये इमोशनल फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। सच में ये फिल्म अपने टाइटल को पूरी तरह जस्टिफाई करती है। वेल, ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, इसीलिए अब मैं ज्यादा इस वीडियो के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी आप लोगों की इन पांचों की दोस्ती के ऊपर क्या राय है वो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। नाउ इट्स टाइम टू रैप अप, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।